नमस्कार, मैं हूँ प्रीति रॉय और स्वागत है आपका स्वदेशवाणी की 3 बजे की 30 बड़ी खबरों में। आज से भारत के हाथ में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की है कमान। पाकिस्तान को सताने लगा इस चीज का डर। अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर रात भर में 3 रॉकेट हमले किए गए, वहीं रनवे क्षतिग्रस्त होने से उड़ानें बंद कर दी गई। दक्षिण कोरिया में एक दिन में कोरोना के 1442 मामले सामने आए, वहीं अब तक कुल संख्या 1.99 लाख। एशियाई देशों में लौटा कोरोना का कहर, हर दिन दर्ज हो रहे लाखों की संख्या में केसेस, वहीं कंटेनर में रखे जा रहे शव। चीन के बाद WHO इमरजेंसी प्रोग्राम के हेड माइक रयान ने भी कहा कि कोरोना उत्पत्ति की जांच पर ना हो राजनीति। व्यापार रिश्ते में प्रगति के लिए भारत दौरा करेंगे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री। जापान, थाईलैंड और मलेशिया में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का जारी है कहर, वहीं अमेरिका में 1 लाख नए केसेस सामने आए। UAE के लोगों को भारत की यात्रा के लिए करना पड़ेगा थोड़ा और इंतजार, विदेशी उड़ानों पर अभी लगा है और बैन। मोदी के मंत्री ने असम मिजोरम सीमा विवाद को बताया पुराना मामला। सीएम शर्मा के खिलाफ FIR पर बोले, ये सामान्य बात। पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में 5 अगस्त को होगी सुनवाई। पिटिशनर्स ने की SIT जांच करवाने की मांग। महाराष्ट्र में जीका वायरस ने दी दस्तक। पुणे में 50 साल की महिला संक्रमित हुई, वहीं केरल में अब तक वायरस की चपेट में आ चुके 63 लोग। संसद सत्र के 2 हफ्ते हंगामे की भेंट चढ़ी। 107 घंटे में सिर्फ 18 घंटे काम हुआ, वहीं 133 करोड़ का नुकसान भी हुआ। राज्यसभा 21% तो लोकसभा तय समय के सिर्फ 13% चले। बुलेट ट्रेन चलाने के लिए ढांचा हुआ तैयार, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ने दी इसकी जानकारी। शिक्षा मंत्री टेकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 2 अगस्त से खुलेंगे स्कूल, वहीं प्रदेश में शिक्षकों की जल्द ही की जाएगी नियुक्ति। भारतीय नौसेना ने निकोबार तट पर फंसे 7 मछुआरों को बचाया, मछली पकड़ने गए थे समुद्र में। दिल्ली में यमुना में जल स्तर फिर बढ़ा, 100 से अधिक परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। झारखंड में जज की मौत के मामले के अंतर्गत CBI करेगी जज के संदिग्ध मौत की जांच में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद CM ने की अनुशंसा। भारी बारिश से कोयल नदी में बाढ़, झारखंड के गढ़वा पलामू को जोड़ने वाले पुल के पिलर में आई दरार, वहीं आवागमन पर रोक लगाया गया। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 36 नए मरीज, सर्वाधिक रांची से, वहीं राज्य में बचे 252 एक्टिव केस। झारखंड में 9 अगस्त से खुलेंगे सभी सरकारी स्कूल, कल जारी होगी इसकी गाइडलाइंस। वहीं साथ ही अब फल सब्जी और राशन की दुकानों को खोलने की छूट दी गई, लेकिन ग्राहकों की 50% ही होगी अनुमति। एकत्रित बिहार के निवासी को झारखंड में मिलेगा आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई लेकिन फैसला सुरक्षित रखा गया। बिहार में चिकित्सा के क्षेत्र में 2 कीर्तिमान, रोबोट ने की ब्रेन सर्जरी तो कूसा ने कैंसर का किया इलाज। हावड़ा स्टेशन पर जलजमाव को लेकर 4 एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया, वहीं गया से घंटों लेट चली राजधानी एक्सप्रेस। बिहार में बढ़ानी पड़ेगी मेडिकल की सीटें, OBC और EWS के 37% आरक्षण से बदलेगा नामांकन का गणित। JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए ललन सिंह, पार्टी में दिखा उत्सव का माहौल, वहीं आगे की तैयारी भी जोर शोर पर। कल भागलपुर आएंगे उपेंद्र कुशवाहा, कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं कार्यकर्ता। टोक्यो ओलंपिक्स में बॉक्सर सतीश कुमार हैवीवेट में मेडल की रेस से बाहर हुए, वहीं हॉकी में जर्मनी से रियो ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना को बाहर किया गया। एथलीट मान कौर का चंडीगढ़ सेक्टर 25 शमशान घाट में किया गया अंतिम संस्कार, वहीं 105 साल की उम्र में ली उन्होंने अपनी आखिरी सांस। दुनिया की सबसे बुजुर्ग एथलीट थी। ओलंपिक में देखने को मिल रहा महिला शक्ति, टॉप 5 देशों की महिलाओं ने पुरुषों से 67% ज्यादा मेडल जीते, वहीं अमेरिकी महिलाओं ने पुरुषों से 3 गुने और चीनी महिलाओं ने 2 गुने मेडल्स जीते। ऑस्ट्रेलिया की एमा मैक्यून ने रचा इतिहास, टोक्यो ओलंपिक्स में जीते 7 पदक। ये थी आज की 30 बड़ी खबरें, कल फिर मिलेंगे इसी समय पर। तब तक के लिए बने रहें स्वदेशवाणी के साथ, साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.swadeshwani.com पर लॉगिन करें और साथ ही स्वदेशवाणी के ऐप को इंस्टॉल करें। धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।